बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ना बहुत अच्छी खबर है और बहुत बड़ा अपडेट भी है। दरअसल IBPS RRB क्लर्क का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना वो रिलीज हो गया है और आज से एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू भी हो गया है। अगर आपको क्लर्क पदों पर हिस्सा बनना है रूरल बैंक्स में तो आप अभी इसी वक्त ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि IBPS.IN यहाँ पर जा सकते हैं और जाकर अपना एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 27 जून तक ही आपको टाइम मिला है, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब भी तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो आपको ओवरऑल सारी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए ना इन बेसिक चीजों के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। तो IBPS RRB ने क्लर्क पदों पर जो भर्ती निकाली है ना उसके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। वेबसाइट मैंने आपको शुरुआत में बता दी है, आप वहां जाकर अपना एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट है ना वो कौन सा होने वाला है। तो पोस्ट है क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यानी कि आपके पास कौन सा एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट होनी चाहिए, सो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात हो तो कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज से आप वाकिफ हों और जो आपका लैंग्वेज है ना वो बहुत प्रोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको उस पर वर्क करना आना चाहिए और अच्छी कमांड होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं, आप सारी योग्यताओं को पूरा करते हैं लेकिन आप 28 साल से ज़्यादा के हैं तो सॉरी, आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरना है तो एज लिमिट 18 से 28 साल है, इससे कम या ज़्यादा अगर होती है तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपको फॉर्म भरते वक्त कितनी फीस देनी, क्योंकि आपको पता ही है हर सरकारी नौकरी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फीस तो देनी ही है। सो अगर यहाँ पर भी हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी वाले जो उम्मीदवार हैं उनको 850 रुपये फीस देनी होगी फॉर्म भरते वक्त, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। वहीं जो SC ST और PWD यानी कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको 175 रुपीज एप्लीकेशन की फीस देनी होगी, अदरवाइज आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे क्योंकि फॉर्म ही आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि आपने फॉर्म भी भर दिया, आप एलिजिबल भी हैं, अब सिलेक्शन पर भी तो बात होना चाहिए ना। सो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो प्री और मेंस दो एग्जाम होंगे और उसके बाद ही आपको इस भर्ती के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप इन दोनों चरणों में से किसी भी एक चरण को क्लियर नहीं करते हैं ना तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अगर आपको और डिटेल चाहिए या फिर आपको और कुछ जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS.IN, यहाँ पर आप जाकर सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर लिखा होता है और ख़ास करके जो नोटिफिकेशन है ना उसमें तो जानकारी दी ही गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट RRB क्लर्क नोटिफिकेशन 2024। कोई सवाल है, कुछ भी आपको जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।